आज हम बात कर रहे हैं ओणम पर्व की, जो विशेष रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है, जहाँ इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भारत में तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। कुछ त्यौहार तो देश के हर कोनों में मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र में मनाए जाते हैं। भारत के मुख्य त्यौहारों की बात करें तो दिवाली, होली, ईद, वैशाखी, क्रिसमस, दुर्गा पूजा आदि हैं। दिवाली की बात की जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। मुख्य रूप से उत्तरी भारत का तो ये बहुत बड़ा त्यौहार है। इसी तरह कलकत्ता में दुर्गा पूजा, पंजाब में वैशाखी मुख्य हैं। किसी राज्य विशेष के त्यौहारों की बात की जाए तो दक्षिण भारत के केरल में ओणम त्यौहार उत्तरी भारत के दिवाली जितना ही महत्वपूर्ण है। ओणम एक मलयाली त्यौहार है जो किसानों का फेस्टिवल है, लेकिन सभी लोग ही वहाँ इसे मनाते हैं, जिसमें केरल राज्य में लोकल हॉलीडे भी होता है। यहाँ इस दौरान 4 दिन की छुट्टी रहती है। ओणम का त्यौहार समस्त केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है। भारत सरकार इस रंग बिरंगे त्यौहार को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बढ़ावा दे रही है, जिसे ओणम त्यौहार के समय अधिक से अधिक पर्यटक केरल आ सकें। इसका असर देखा भी जा सकता है। भगवान का देश कहा जाने वाले केरल को देखने के लिए ओणम के दौरान अधिक से अधिक लोग जाते हैं। ओणम का त्यौहार मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में आता है। यह मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है, जो ज़्यादातर अगस्त सितंबर महीने के समय में ही आता है। दूसरे सोलर कैलेंडर के अनुसार इसे महीने को सिम्हा महीना भी कहते हैं, जबकि तमिल कैलेंडर के अनुसार इसे अवनी माह भी कहा जाता है। जब थिरुवोनम नक्षत्र चिंगम महीने में आता है, उस दिन ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। थिरुवोनम नक्षत्र को हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रवणा कहते हैं। ओणम एक प्राचीन त्यौहार है जो अभी भी आधुनिक समय में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम के साथ साथ चिंगम महीने में केरल में चावल की फसल का त्यौहार और वर्षा के फूलों का त्यौहार भी मनाया जाता है। ओणम त्यौहार की कहानी असुर राजा महाबली एवं भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि ओणम त्यौहार के दौरान राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने, उनके हालचाल जानने, खुशहाली जानने के लिए हर साल केरल राज्य में आते हैं। राजा महाबली के सम्मान में यह त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। ओणम के त्यौहार का 10 दिनों का महत्व इस तरह है। पहला दिन अथम कहलाता है। इसका महत्व यह है, पहला दिन होता है जब राजा महाबली पाताल से केरल जाने की तैयारी करते हैं। दूसरा दिन चिथिरा कहलाता है। इस दिन फूलों का कालीन, जिसे पुकल्लम कहते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तीसरा दिन चौधी कहलाता है। पुकल्लम में 4-5 तरह के फूलों से अगली लेयर बनाते हैं। चौथा दिन विशाखम होता है। इस दिन से तरह तरह की प्रतियोगिताएँ शुरू होती हैं। पांचवा दिन अनियज्म का होता है, जिस दिन नावों की रेस की तैयारी की जाती है। छठवा दिन थिक्रेता होता है, जब छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं। और सातवां दिन मूलम कहलाता है, जब मंदिरों में स्पेशल पूजा की जाती है। आठवां दिन पुरादम होता है, जिस दिन महाबली और वामन की प्रतिमा घर में स्थापित की जाती है। और नौवां दिन उठरादम होता है, इस दिन महाबली केरल में प्रवेश करते हैं। और दसवां दिन थिरुवोनम कहलाता है, जो मुख्य त्यौहार होता है। ओणम पर्व से जुड़ी कथा इस तरह है। महाबली प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद जो असुर हिरण्यकश्यप के बेटे थे, लेकिन फिर भी वे विष्णु के भक्त थे। अपने दादा की तरह महाबली भी बचपन से ही विष्णु भक्त थे। समय के साथ महाबली बड़े होते गए और उनका साम्राज्य विशाल होता चला गया। वे एक बहुत अच्छे पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी, प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। महाबली असुर होने के बाद भी धरती एवं स्वर्ग पर राज्य किया करते थे। धरती पर उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहती थी। वे अपने राजा को भगवान के बराबर दर्जा दिया करते थे। इसके साथ ही महाबली में घमंड भी कहीं ना कहीं आने लगा था। ब्रह्मांड में बढ़ती हुई असुरी शक्ति को देख बाकी देवता घबरा गए। उन्होंने इसके लिए विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी इसके लिए मान जाते हैं। विष्णु जी महाबली को सबक सिखाने के लिए सभी देवी देवताओं की मदद के लिए माता आदिति के बेटे के रूप में वामन बनकर जन्म लेते हैं। ये विष्णु जी का 5वां अवतार है। एक बार महाबली देवताओं से अपने सबसे ताकतवर शस्त्र को बचाने के लिए
नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ की सफलता के बाद तीनों लोकों में असुर शक्ति और अधिक ताकतवर हो जाती है। महाबली बोलते हैं इस यज्ञ के दौरान उनसे जो कोई जो कुछ मांगेगा उसे दे दिया जाएगा। इस बात को सुन वामन इस यज्ञशाला में आ जाते हैं। ब्राह्मण के बेटे होने के कारण महाबली उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर लाता है। महाबली वामन से बोलता है कि वो उनकी किस प्रकार से सेवा कर सकता है, उन्हें उपहार में क्या दे सकता है। वामन मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो 3 डग जमीन दे दीजिए। ये बात सुन महाबली के गुरु समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वे महाबली को उनकी इच्छा पूरी ना करने को कहते हैं, लेकिन महाबली एक अच्छे राजा थे, वे अपने वचनों के पक्के थे। उन्होंने वामन को हाँ कर दिया। महाबली वामन को अपनी इच्छा अनुसार भूमि देने के लिए बोलते हैं। ये बात सुनकर वामन अपने विशाल रूप में आ जाते हैं। उनके पहले कदम में सारी धरती समा जाती है, दूसरे कदम में स्वर्गलोक आ जाता है। अब उनके तीसरे कदम के लिए राजा के पास कुछ भी नहीं बचता है, तो अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा अपना सर वामन के पैर के नीचे रख देते हैं। ऐसा करते ही राजा धरती में पाताल लोक में समा जाते हैं। पाताल लोक में जाने से पहले महाबली से इच्छा पूछी जाती है। महाबली विष्णु जी से मांगते हैं कि हर साल धरती में ओणम का त्यौहार उनकी याद में मनाया जाए और उन्हें इस दिन धरती में आने की अनुमति दी जाए, ताकि वे यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिलकर उनके सुख दुख को जान सकें। ओणम मनाने का तरीका इस तरह है। ओणम त्यौहार की मुख्य धूम कोच्चि के त्रिकारा मंदिर में रहती है। इस दिन मंदिर में ओणम के पर्व पर विशेष आयोजन होता है, जिसे देखने देश विदेश से यहाँ लोग पहुँचते हैं। इस मंदिर में पूरे 10 दिन एक भव्य आयोजन होता है। नाच गाना, पूजा आरती, मेला आदि यहाँ की विशेषताएँ। इस जगह पर तरह तरह की प्रतियोगिताएँ भी होती हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ओणम के 10 दिन के त्यौहार में पहले दिन अंथम होता है, जिस दिन से ओणम की तैयारी चारों ओर शुरू हो जाती है। ओणम के लिए घर की साफ सफाई चालू हो जाती है, बाजार मुख्य रूप से सजाए जाते हैं, चारों तरफ त्यौहार का माहौल बन जाता है। पुक्कालम फूलों का कालीन विशेष रूप से ओणम में तैयार किया जाता है। इसे कई तरह के फूलों से तैयार किया जाता है। अंथम से तिरुवोणम दिन तक इसे बनाया जाता है। पुक्कालम बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। मार्केट विशेष तरह से सजाया जाता है। नाव की रेस, जिसे स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है, उसकी तैयारी जोरों शोरों से शुरू होती है। इस रेस का आयोजन ओणम के बाद होता है। इस नाव की रेस का आयोजन भारत के सिर्फ इस हिस्से में ही होता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ओणम त्यौहार के समय छुट्टी भी होती है, जिससे लोग अपने होम टाउन अपने लोगों के साथ इस त्यौहार को मनाने के लिए जाते हैं। 8वें दिन, जिसे पुरादम कहते हैं, महाबली एवं वामन की प्रतिमा को साफ करके अच्छे से सजाकर घर एवं मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। आखिरी 10वें थिरुओणम के दिन चावल के घोल से घर के बाहर सजाया जाता है। लोग जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। घर को अच्छे से लाइटिंग से सजाया जाता है। ओणम के त्यौहार में नए कपड़े खरीदने एवं उसे पहनने का विशेष महत्व होता है। महाबली दानवीर थे, इसलिए इस दिन में दान का विशेष महत्व है। लोग तरह तरह की वस्तुएं गरीबों एवं दानवीरों को दान करते हैं। ओणम के आखिरी दिन बनाए जाने वाले पकवानों को ओणम सद्या कहा जाता है। इसमें 26 तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसे केले के पत्ते पर परोसा जाता है। ओणम के दौरान केरल के लोक नृत्यों को भी वहाँ देखा जाता है। इसका आयोजन भी वहाँ मुख्य होता है। वैसे तो ओणम का त्यौहार 10वें दिन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे आगे 2 दिन और मनाते हैं, जिसे तीसरा एवं चौथा ओणम कहते हैं। इस दौरान वामन एवं महाबली की प्रतिमा को पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। पुक्कालम को भी इस दिन हटाकर साफ कर देते हैं। इस तरह ओणम का त्यौहार केरल में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।